हेलो एवरीबॉडी, मैं हूं अंकना एंड वेलकम बैक टू आवर हैशटैग अंडरस्कोर गुड लाइफ चैनल। सो आज है ट्यूसडे एंड आज मैं आपके साथ में पिछले दो हफ्ते से यानी कि सितंबर 1 से मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं नवरात्रि स्पेशल कुकिंग व्लॉग्स, जहां पे ड्यूरिंग नवरात्रि फास्टिंग आप कौन कौन से डिशेस आप बना सकते हैं, आपके फैमिली के साथ में आप एंजॉय कर सकते हैं, वो सारी डिशेस मैं आपके साथ में शेयर कर रही हूं। सो पिछले हफ्ते मैंने आपके साथ में एक स्वीट डिश शेयर की थी और इस हफ्ते भी मैं आपके साथ में एक स्वीट डिश शेयर करूँगी। सो जैसे पिछले हफ्ते मैंने शेयर किया था स्वीट डिश विद अ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट, आई होप आपको वो पसंद आया हो। आज के रेसिपी में भी मैं आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ एक ट्विस्ट के साथ में, एक नया एक वेजिटेबल का ही अगेन एक मैं शेयर करने वाली हूँ स्वीट डिश। हम सबको पसंद है कैरेट का हलवा। सो आज मैं कैरेट का हलवा ना बना के मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कैरेट का खीर एंड विथ लिटिल बिट ऑफ ट्विस्ट एंड लिटिल बिट ऑफ न्यूट्रिशनल वैल्यू उसमें ऐड करते हुए। सो नवरात्रि के टाइम पे फास्टिंग के टाइम पे न्यूट्रिशन में देखना, उसमें वैल्यूज़ देखना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्पेशली ड्यूरिंग दिस पैंडमिक एंड ऑल। सो उसमें मैंने एक छोटा सा न्यूट्रिशनल वैल्यू के साथ में मैंने आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। सो उसको ट्विस्ट जानने के लिए आपको वीडियो में आगे बढ़ना होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं सो आप प्लीज़ जल्दी से कर ले सब्सक्राइब चैनल को और नीचे बेल बटन को भी जल्दी से कर ले क्लिक टू गेट नोटिफाइड फर्स्ट। एंड मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के हैंडल का लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर कोई भी क्वेरीज होती है आप मुझे वहाँ पर डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी मिल सकते हैं। मैंने अपना ईमेल आईडी का भी लिंक यहाँ पर दिया रखा है, आप वहाँ जाके मुझे मेल कर सकते हैं। आज के रेसिपी में और इससे पहले की जो भी कुकिंग ब्लॉग की रेसिपी होती है उसके सारे इन्ग्रीडियंट्स अलॉन्ग विथ उसकी क्वान्टिटी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। सो सबसे पहले हमें लेना है पैन एंड उसमें डाल देना है 2 टेबलस्पून ऑफ घी एंड उसमें जाएगा हमारा 100 ग्राम्स ऑफ फॉक्स नट यानी कि मखाना। सो आज के रेसिपी का हमारा जो ट्विस्ट है वो यही है, इसको हमें कर लेना है हल्का सा रोस्ट। आइदर आप इसको घी में भी रोस्ट कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको आप प्लेन आप रोस्ट कर सकते हैं बिना घी यूज़ किए। इसको आगे कैसे यूज़ करना है वो आपको वीडियो के एंड तक देखना पड़ेगा, देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसको हम यूज़ कैसे करने वाले हैं। नाउ ड्यूरिंग फास्टिंग हम फॉक्स नट हम क्यों यूज़ करेंगे, बिकॉज ये आपको एनर्जी देने के लिए बहुत ही अच्छा एक न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ रहती है इसमें। इट गिव्स यू एनर्जी, इट हैव हाई कैल्शियम एंड इसमें फाइबर्स है जो आपको डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प आउट करती है। सब साथ ही साथ इसमें आपको ब्लड प्रेशर जो है वो भी आपको रेगुलेट करने के लिए मेंटेन करने के लिए हेल्प आउट करती है। सो नवरात्रि के टाइम पे ये न्यूट्रिशनल वैल्यू वाली जो एक इंग्रेडिएंट है वो बहुत ही ज़्यादा एक खास आपको रोल प्ले करेगा। सेकेंड चीज़ ये है कि जैसे हम इसको अभी रोस्ट कर रहे हैं इन द सेम वे आप रोस्टेड जो है एज अ स्नैक भी रोस्टेड फॉक्सनट खा सकते हैं ड्यूरिंग नवरात्रि एंड ये बिल्कुल अलाउड है। सो आइए चलिए देखते हैं आगे हमें और क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं। सो जब आप अपने स्पैचुला से देखेंगे कि फॉक्सनट इस तरीके से हो गया है हार्ड यानी कि आपका फॉक्सनट रोस्ट हो चुका है, देन यू कीप इट असाइड। अब हम ले लेंगे 1 कप ऑफ कैरेट जिसको मैंने इस तरीके से ग्रेट कर लिया है। अब सेम घी पे मैं ये कैरेट को फ्राई करूँगी, आप चाहे तो इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ एक्स्ट्रा घी भी ले सकते हैं। सो मैंने इसमें 1 टेबलस्पून ऑफ एक्स्ट्रा घी मैं इसमें यूज़ करने वाली हूँ। सो ये जो कैरेट मैंने लिया है ये मैंने लिया है 1 कप एंड कप मेजर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो इस कैरेट को हल्का सा हम जब तक स्टीयर फ्राई कर लेंगे, जब तक इसकी जो कच्चापन है वो ना चला जाए। सो स्टीयर फ्राई दिस वेरी वेल एंड देखेंगे आप थोड़ी देर बाद कि अच्छे से फ्राई होके इसमें से जो है जैसा घी जो है वो हल्का हल्का से निकलने लगेगा, देन दैट टाइम वी विल मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट स्टेप। सो व्हेन वी विल गेट दिस काइंड ऑफ टेक्सचर उसमें हम हमारा जो मिल्क है वो हम डालना स्टार्ट कर देंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मिल्क को लिया है, टोटल मैंने यहाँ पे 500 ml के आसपास मैंने मिल्क लिया है, बट मैं इसको हल्के हल्के से डालूंगी यानी कि फर्स्ट मैं इसमें 200 ml डाल रही हूँ 1 कप। उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्स करके थोड़े देर के लिए इसको पकने देंगे, देन पकने के बाद में आई विल पुट माय रेस्ट ऑन जो रिमेनिंग मिल्क है वो मैं मिल्क डालूंगी। सो इसमें मैं ऑलमोस्ट कुछ 500 ml डाल रही हूँ। आप 500 ml के जगह पे आप अगर खीर को हल्का सा आप गाढ़ा खीर बनाना चाहते हैं तो आप इसमें 400 ml ऑफ मिल्क भी डाल सकते हैं, बट मुझे खीर थोड़ा सा पतला टाइप का खीर चाहिए, उसकी कंसिस्टेंसी मेरे को थोड़ी लिक्विडी चाहिए, इसके लिए मैं इसमें 300 ml प्लस 200 ml टोटल ऑलमोस्ट 500 ml मैं इसमें डाल रही हूँ। इट इज़ अप टू यू कि आप इसमें 400 ml या 500 ml कितना आप डालना चाहते हैं।
सो इस तरीके से आपको जो टेक्सचर दिखेगा, जो घी हमने डाली थी उसकी घी की टेक्सचर, उसका हमारा कैरेट का कलर, सारे कलर्स आ गए हैं। जनरली हमारा जो ये ऑरेंज कैरेट है उसको पकने में थोड़ा टाइम लगता है इन कंपैरिजन टू द रेड कैरेट, बट रेड कैरेट मोस्टली विंटर सीजन में अवेलेबल होता है एंड इस सीज़न में हमें अभी अवेलेबल नहीं है, हमें यही अवेलेबल हुआ है, सो वी आर यूजिंग द ऑरेंज कैरेट। सो इसको अभी हमें जो मिल्क है उसको बॉईल होने देना है और जितना उबाल आएगा उसमें हमें हल्का हल्का से इसको स्टियर कर लेना है। नाउ हम इसको लीड बंद करके कुछ टाइम के लिए इसको पकने देंगे, ऑलमोस्ट अराउंड 5 मिनट्स के लिए हम इसको ढक के ही इसको पकने देंगे, सो दैट हमारा जो कैरेट है उसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी अच्छा आ जाए। एंड ये आफ्टर 5 मिनट्स मैंने ओपन करके रखा है एंड इसका इस तरीके का टेक्स्चर आ गया है। अभी भी जो कंसिस्टेंसी है वो लिक्विड कंसिस्टेंसी है, तो हमें इसको और ज़्यादा बॉयल होने के लिए देना है। आप ये भी कर सकते हैं कि आपने पहले जो है मिल्क को अच्छे से बॉयल करके उसका टेक्स्चर थोड़ा गाढ़ा करके देन ऑल्सो यू कैन पुट इन कैरेट खीर, आप खीर बनाने के लिए ये भी कर सकते हैं। सो अभी हम इसको बॉयल होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारा खीर वहाँ पे बॉईल हो रहा है तब तक हमने जो अभी मखाना फॉक्सनट को जो हमने रोस्ट किया था उसको हम मोटर पिसल में हम इस तरीके से उसको कूट लेंगे, हल्का सा ग्राइंड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको आप ग्राइंडर में भी ग्राइंड कर सकते हैं एंड इसको इतना सा हल्का सा ही उसको बस क्रश करके हमें डाल देना है हमारे खीर में। आप चाहें तो फुल भी डाल सकते हैं बट हल्का सा इसमें डालेंगे इस तरीके से क्रश करके तो आपका जो टेक्स्चर आएगा खीर का वो काफ़ी अच्छा आएगा। अब इसी टेक्सचर के टाइम पे हम इसमें शुगर है जो वो भी डाल देंगे। आप शुगर में कोई भी शुगर यूज़ कर सकते हैं, मैं यहाँ पे रिफाइंड शुगर यूज़ कर रही हूँ 1/2 कप ऑफ, इसके जगह पे आप ब्राउन शुगर या फिर आप जैगरी पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बीच बीच में क्या आप जो फुल मखाने जो हैं उसको भी आप डाल के इसका जो टेक्सचर है वो और ज़्यादा थिक एंड रिच बना सकते हैं। सो मैंने यहाँ पे बीच में और थोड़े से हैंडफुल ऑफ मखानास लेके मैंने इसको अपने खीर में डाल दिया है सो दैट हमें इसका टेक्सचर जो है वो अच्छा मिल जाए। एंड इस तरीके से जब ये बॉयल आ जाएगा उसमें हम डाल देंगे हमारा 1 टीस्पून ऑफ कार्डमम पाउडर और हम अच्छे से हमारे जो खीर है उसमें मिक्स कर लेंगे। अभी भी हल्का सा इसमें लिक्विडी जो टेक्सचर है वो रह गया है कंसिस्टेंसी, तो हम इसको और थोड़े देर के लिए ऑलमोस्ट अराउंड 5-10 मिनट्स के लिए हम लोग इसको बॉयल के लिए रख देंगे। इस मोमेंट पे आप जो है आपके ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं मोस्टली इस खीर में ओनली रेजिन्स प्रेफर करती हूँ, सो अगर आप चाहें तो इसके जगह पे आप कोई और भी ड्राई फ्रूट्स पहले से उसको फ्राई करके देन उसको आप इस मोमेंट पे डाल सकते हैं। सो आफ्टर बॉइलिंग द मिल्क एंड खीर फॉर 20-30 मिनट्स आई गॉट द परफेक्ट टेक्सचर विच आई वॉन्टेड। सो अभी मैं इसका जो फ्लेम है आई टर्न ऑफ द फ्लेम, इसको अभी सर्विंग बाउल पे मैंने इसको ट्रांसफ़र कर लिया है एंड इसको मैं गार्निश करूँगी विथ सम हैंडफुल ऑफ मखानास एंड रेजिन्स। सो इसके जगह पे आप कोई भी ड्राई फ्रूट के साथ में भी इसको आप जो है गार्निश कर सकते हैं। जस्ट ड्राई फ्रूट को आपको हल्का सा पहले घी में आपको फ्राई कर लेना है एंड देन आप इसको इसके साथ में आप गार्निश कर सकते हैं। अभी यहाँ का जो मेरा खीर का जो टेक्सचर है वो हल्का सा लिक्विडी टेक्सचर है, अगर आपको हल्का सा थिक टेक्सचर चाहिए तो जो मैंने यहाँ पे 20-30 मिनट्स तक मैंने जो बॉईल किया है उसको आप और 5-10 मिनट्स तक बॉईल कर लें सो दैट आपको हल्का सा और गाढ़ा उसका टेक्सचर आ जाए। बट एज़ आई एम टेकिंग द खीर टुडे सो खीर के लिए आई वॉन्ट थोड़ा सा लिक्विडी टेक्सचर। सो ये है बन गया हमारा एंड इसमें हल्का सा हमने टेस्ट किया है और टेस्ट करने के बाद में इसका हल्का सा मीठा ज़्यादा है। सो अ टिप फॉर रिड्यूसिंग योर स्वीटनेस, सो स्वीटनेस अगर आपको रिड्यूस करना है सो व्हाट यू कैन डू, एक छोटा जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसमें आप 1/2 लेमन जो है उसको स्क्वीज आउट करके डाल दें सो आपका जो मिठास का जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। सो दिस वॉज टूडे स्मॉल टिप। तो ये था हमारा आज का वीडियो जहाँ पे मैंने शेयर किया आपके साथ में कैरेट खीर विद अ स्मॉल ट्विस्ट, जो आपने देखा था कि मैंने यहाँ पे मखाना मैंने यूज़ किया था यानी कि फॉक्स नट विच इज़ हैविंग अ वेरी न्यूट्रिशनल वैल्यू। सेकेंड जो चीज़ आती है, अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो सो प्लीज़ उसको लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए नवरात्रि स्पेशल कुकिंग व्लॉग के साथ में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।